जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ माँ भगवती आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग लेकर आए हैं करंट फीलिंग्स पे। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनको सोचकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। लेकिन उसके पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना है, ठीक है? मेडिटेशन करना है, मन को शांत करना है, मन को एकाग्र करना है, नेगेटिविटी को क्लियर करना है, ठीक है? और उसकी शुरुआत हम हमेशा की तरह गायत्री मंत्र से करने वाले हैं। चलिए आप बैठ जाएं शांति से 2 मिनट के लिए, ठीक है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए
अब आप अपनी रीडिंग देखिए। देखिए जो पाइल आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से ऐसा होता है आपसे रेजोनेट नहीं करता, आपसे मैच नहीं करता, ठीक है, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। देखिए क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, जो आपसे टोटली रेजोनेट करेगी तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111111 में। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। एक बात ऐसी है जिसके लिए हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं। जब आप लोग कमेंट में कुछ लिखते हैं कि हाँ दीदी रीडिंग रेजोनेट हुई, हाँ दीदी रीडिंग अच्छी लगी या कुछ भी, तो आपको जस्ट कमेंट के नीचे एक रिप्लाई मिलता है कि हमसे व्हाट्सएप पर बात करें, कांटेक्ट करें, बहुत सारी बातें। तो प्लीज़ आप उस रिप्लाई के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वो हमारा रिप्लाई नहीं होता है, समझ रहे हैं। वो कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो हमारा नाम और हमारा पिक्चर यूज़ करके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वहाँ पर बाकायदा अपना नंबर भी दे रहे हैं। आप लोग अगर उस नंबर के चक्कर में फंस जाएंगे ये सोच कर कि ये हम कर रहे हैं ऐसा, तो आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपकी कोई रीडिंग वीडिंग भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो हमें सुनकर जाएंगे ना वहाँ पे, आपको लगेगा कि ये हम हैं, बट हम नहीं हैं। हम कमेंट बॉक्स में कभी भी अपना नंबर नहीं देते, ना ही आपको ये बोलते हैं कि हमसे व्हाट्सएप पर बात करें, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में नहीं, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ नहीं। हम अपना नंबर बताते हैं, 8737087414। देखिए अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आफ्टर नवरात्रि आप कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी हम कोई भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं, अभी हम कोई भी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अनुष्ठान में बहुत बिजी हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स हम यहाँ पर बताने वाले हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ हैं यहाँ पर फायर साइन। वाह, फायर साइन। एरीस लियो सेजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। अच्छा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत कम है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि भी है यहाँ पर, ठीक है। बस वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी कम है। चलिए हम थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 12 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख और 29 तारीख, 25 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 10 तारीख, 23 तारीख, 20 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 3 तारीख, ठीक है। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उनका बर्थ मंथ बताते हैं हम आपको, किसी भी का बर्थ मंथ मार्च, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है। अब हम इनिशियल की बात करते हैं, टी एच एस ए एफ
जी एल आई एन आर के डी वी सी पी, ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल्स। अब देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करें, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप इनको बहुत 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 चाहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद एक ही जगह पर काम करते हैं, फिर एक ही जगह पर पढ़ाई करते हैं, जैसे कि वो फ्रेंडशिप वाली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ लोग हाँ यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस भी है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है कुछ लोगों का है, बट इधर जैसे कि इनसे पहले कभी आपकी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, बहुत अच्छी दोस्ती, आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट करते थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और कहीं ना कहीं आपका जो जस्टिस वाला नेचर है ना, उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। जैसे कि आपके अंदर क्या है, आप बहुत लॉयल पर्सन हैं, बहुत दिल से सोचने वाले और हमेशा सच का साथ देने वाले, झूठ आपको पसंद नहीं है, झूठ चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हाँ, अच्छा, आप काफ़ी बेबाक किस्म के व्यक्ति हैं, लाइक जो बात है किसी के लिए भी मुंह पर बोलना, पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं है आपकी, इन सारी क्वालिटीज से ये आपसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। अभी हम देख रहे हैं कि आपके दिल में इनके लिए बहुत 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 प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत यकीन करते हैं आप इन पे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद आपसे कोई गलती हुई है। यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है, एक कंडीशन में ये है कि आपसे कोई गलती हुई है, और एक कंडीशन में ये है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उनसे कोई गलती हुई है। दुखी देखो दोनों हैं, अभी वो क्या सोच रहे हैं, सच बताएं, अभी वो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है, कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है उनके पास कि क्या सोचें, क्या करें, क्या कहें। एक होता है ना, व्यक्ति स्टक हो जाता है, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, जैसे एक होता है ना, इंसान बीच में अटका हुआ है, लटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, चाह कर भी कुछ चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ये। तो इनकी जो सिचुएशन है वो यही है कि बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है, द्वंद में इनका दिमाग चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको हर्ट किया है किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा, तो अब ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ये खुद भी बहुत अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो माफ़ी वाली चीज़ें हैं, जैसे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हो, जैसे कि आप दोनों ने ही कोई गलती की है, जैसे कि आपने कुछ ज़्यादा सुना दिया जो नहीं कहना चाहिए था, या फिर बदले बदले में आपने भी कुछ कर दिया उल्टा सीधा, या फिर उन्होंने बदला लेने के चक्कर में आपको और ज़्यादा हर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है ना, माफ़ी मांगने वाली, वो आप दोनों के ही अंदर है, आप दोनों ही जैसे एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाह रहे हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक इसे रिग्रेट है, किसी चीज़ का अफसोस है, पछतावा है कि ये नहीं होना था, और आप बहुत जैसे डिसअपॉइंट हैं इनसे, बहुत दुखी हैं।
ये जो कंफ्यूजन की स्थिति में है ना, वो इस वजह से क्योंकि ये व्यक्ति अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। अपनी इनर वॉइस को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ये हमेशा इग्नोर करते आए हैं और आजकल अभी भी ये इग्नोर ही कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करता है तो बाहरी लोग उसके ऊपर अपनी मन मर्जियाँ थोपना शुरू कर देते हैं, बाहरी लोग अपनी बातें उसके कान में भरनी शुरू कर देते हैं। तो अभी ये मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में है कि कौन सही कौन गलत, समझ रहे हैं? वो इल्यूजन हो गया है इनको, एक भ्रम हो गया है इन्हें, जैसे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आपका जो रिश्ता है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटता हुआ दिख रहा है आपको। आप भी बहुत रो रहे हैं, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उनके अंदर एक ब्लेम करने वाली एनर्जी है कि आपने धोखा दिया है, आपने ट्रस्ट तोड़ा है। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो शायद आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि तुमने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा, दर्द मेरा कभी नहीं जाना। एक बात बताते हैं, देखिए ये थोड़ा सा सामाजिक टाइप के व्यक्ति हैं, होता ना सामाजिक लोग जो ज़्यादा ही सोचते हैं दूसरों के बारे में, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ही नहीं जीते खुलकर, और वो हमेशा पास्ट में स्टक रहते हैं, पास्ट से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते, उनको पास्ट की चीज़ें दबोच कर रखती हैं। ये व्यक्ति भी कुछ ऐसे ही हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ये हमेशा दूसरों की बात सुनते हैं, बहुत अहमियत देते हैं, दूसरों की बातों में आकर बहुत कुछ गलत भी कर बैठते हैं, बाद में इन्हें अफसोस होता है, बहुत होता है, लेकिन उस अफसोस को ये किसी और को शो नहीं करते, दिखाते नहीं है कि इन्हें भी अफसोस है, इन्हें भी एहसास है उस गलती का। इनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, थोड़ा सा लाइक रूड किस्म के व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि इनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, बहुत सारी चीज़ें। और अगर पास्ट में कोई बात हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो इनके दिल दिमाग से निकलती नहीं है, फिर वो वही सोच कर उसे बड़ा कर लेते हैं। और अगर आप कभी इनसे बात करो तो उसी बात को लेकर टोंटबाजी शुरू, उसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू, कुछ इस तरह की लाइक इनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर अभी इनको यही लग रहा है कि आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, आपने इनका यकीन तोड़ा है, अब ये आप पर कैसे दोबारा यकीन करें, अब ये कैसे दोबारा आप पर ट्रस्ट करें, ठीक है, कैसे क्या करेंगे? और इसी वजह से अभी बहुत स्टक हैं। इनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कहती है कि इन्हें आप पर यकीन करना चाहिए या फिर आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये दिल की सुन कहाँ रहे हैं, दिमाग हावी हो रहा है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। एक बात और बताते हैं, कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें भी इनके साथ हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा, कुछ पास्ट लाइफ के नेगेटिव लोग जो कि इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इनके साथ ही हैं, और किसी न किसी रूप में ये हर जन्म में आप लोगों के बीच रहे हैं ये लोग, और आपकी एक जो अच्छी सी ज़िंदगी होती है ना उसे बिगाड़ने पे लगे रहते हैं। कुछ कार्मिक लोग हैं आपके पार्टनर के साथ, समझ रहे हैं? और आप मैरिड हो अनमैरिड हो, बस इतना समझो जैसे कि कुछ लोग हैं जो बीच में कोई ना कोई दंत फंत शुरू ही कर देते हैं। हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, आप कितने तनाव में हैं, कितने दर्द में हैं, लेकिन आप भी अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, आप भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप भी नहीं जताना चाहते, आप भी नहीं दिखाना चाहते, आप भी नहीं बताना चाहते कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, बट इन्हें भी आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और अभी भी आप दोनों के रिश्ते में जैसे कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले अगर एक होना है तो इन लोगों का सामना करना पड़ेगा।
जैसे कि बहुत चैलेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा। आप लोग आसानी से एक नहीं हो सकते हैं, आसानी से एक नहीं हो सकते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब रहते हैं। आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नींद नहीं आ रही आपको, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, घबराहट होती है, घबरा घबरा कर आप उठ जाते हैं। आपको समझ भी नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। बहुत टेंशन है आपको, बहुत टेंशन है, और आप एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी अब इन्हें अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये अगर आप इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो अभी तो ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है, अभी तो इनका कोई एक्शन नहीं है। आप जो उम्मीदें लेके बैठे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी आप दोनों ही अपनी अपनी ऊर्जाओं को, अपनी अपनी इमोशंस को, अपनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो। बाहर दिखा रहे हो कि सब ठीक है, ठीक है, हंस रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए, जैसे कि किसी बात का बहुत गिल्ट है। बताया ना, हमने रिग्रेट फील हो रहा है, अफसोस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि ये नहीं करते तो ठीक था, ये नहीं होता तो ठीक था, कुछ ऐसा। स्ट्रेस की स्थिति में आप दोनों ही हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि वो आपके बिना खुश हैं, नहीं, उन्हें भी बहुत टेंशन हो रही है, वो भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, उनका भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, ये समझ लीजिए। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, जो आपको पसंद आता है, वही औरों की पसंद क्यों बन जाता है, हाँ सब उसी पे क्यों मरने लगते हैं। और जैसे कि आपके सामने कंपटीशन खड़ा हो जाता है, जैसे कि किसी को पाना, किसी चीज़ को पाना आपके लिए कंपटीशन जैसा रहता है। आपने ज़िंदगी में जैसे कि हमेशा हर कदम पे महसूस किया कि लाइफ में जैसे कि कंपटीशन बहुत है हर चीज़ में। आपने कभी सोचा नहीं था कि प्यार में भी कोई कंपटीशन होगा, प्यार में भी कोई रेस लगेगी, कोई एक व्यक्ति होगा जिसे मैं चाहूँगी, मैं चाहूँगा, उसको चाहने वाले और भी होंगे जो मुझे दूर करके खुद करीब आने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको बस यही लगता है कि ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, और आप कितना भी खुद को समझा कर, बुझा कर सोने की कोशिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, बट ये हो नहीं रहा है। अच्छा, बात नहीं हो रही है यहाँ पर, दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों की ही जो एनर्जी है एक दूसरे के लिए। चलिए हम आपको दो लाइन का एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए आप। दिल को नहीं अब भी यकीन, वो हो गए पराए, ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिस्म से जाए। दिल को नहीं अब भी यकीन, वो हो गए पराए, ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिस्म से जाए। बड़े हम दर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो, बड़े हम दर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। दिल को नहीं अब भी यकीन, वो हो गए पराए, ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिस्म से जाए। बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। ये आप दोनों ही एक दूसरे से कह रहे हो, जैसे कि गलती आप दोनों ने की है और आप दोनों ही माफ़ी मांगना चाह रहे हो। अब हम आपको बताएं, अगर यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, अगर आपने कोई गलती की है तो देखो वो इतनी आसानी से आपको माफ़ नहीं करने वाले, समझ रहे हो।
और अब वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो भी आप इतना समझो कि बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में हैं और कुछ और लोग भी हैं जो उन्हें कंफ्यूज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आप मान कर चलिए। कुछ बातें हैं जो अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो लोग उस बात को उन्हें भूलने देते ही नहीं हैं। घूम फिर के उसी बात पर आके खड़े होते हैं, घूम फिर के वही बात करने लगते हैं, जिससे उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता है, उनका गुस्सा बढ़ता है और होता कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? बस होता ये है कि आप धीरे धीरे उनके दिल दिमाग से निकलने लगते हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर इन्होंने गलती की है, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, तो आप इनको एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रहे हो। और ये जो है, ये अपने कार्मिक लोगों के साथ में बहुत तनाव की स्थिति में बहुत बंधे हुए हैं। हो सकता है कि शादी हो गई हो, या फिर हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं जो कि पास्ट लाइफ से ही हैं, तो दुखी ये भी हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, रो रहे हैं, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, तो दिल कहता है कि हटाओ, छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो और लोग हैं वो बढ़ा चढ़ा कर आपके बारे में बात करते हैं, और एक पल के लिए भी जैसे कुछ चीज़ें हैं जो भूल कर आगे बढ़ना चाहिए वो भूलने नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं? और इनको कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। तो ये सब कुछ ये सोच रहे हैं, और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है उस एक्शन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है? क्योंकि जब तक ये इस द्वंद्व की स्थिति से नहीं निकलते, जब तक ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, जब तक ये दूसरों की बात सुनने वाले हैं, तब तक तो ऐसा ही चलने वाला है। आप इतना समझिए, ठीक है? हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, अभी उनके मन में क्या है आपके लिए। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। इधर देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक मेन राशि बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, आप भी हो सकते हैं वाटर साइन, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धन राशि, आप भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। डियर, चलिए इधर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। किसी भी महीने की 22 तारीख, 26 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 21 तारीख, 4 तारीख, ठीक है? बर्थ मंथ की बात करें, फरवरी, जुलाई, नवंबर,
जून, मई, जनवरी, मार्च, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। चलिए आपके और उनके दोनों के इनिशियल की बात करते हैं। टी, टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टी से आपका नाम हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ओ, एन, आर, बी, एस, पी, डी, के, एल, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अच्छा, हमें रिश्वत मिलेगी क्या? इतनी पॉजिटिव रीडिंग हम आपको सुनाने वाले हैं तो रिश्वत तो मिलनी चाहिए ना। चलिए पहले कमेंट बॉक्स में हमें रिश्वत दे दीजिए। रिश्वत आप जानते हैं ना हमें कौन सी चाहिए? रिश्वत में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपकी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल, दूसरा हमसे प्रॉमिस करिए कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। मन में एक होप बनाकर रखना कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन कभी भी एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। दिन बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। ये हुई हमारी सेकंड रिश्वत। थर्ड रिश्वत ये है कि चलिए आप जिन्हें भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो भी देवी देवता को जिन्हें भी आप मानते हैं उनके प्रति इसी वक्त आभार और ग्रेटिट्यूड सेंड कर दीजिए। उन्होंने आपको लाइफ में इतना कुछ जो भी दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करिए, ठीक है। इस रीडिंग की शुरुआत प्यारे से सॉन्ग के साथ करें। बहुत दिनों बाद सॉन्ग सुना रहे हैं, देख लो। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ये आप दोनों ही एक दूसरे से वादा करना चाहते हैं। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, क्योंकि सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। न्यू पर्सन इन द सेंस लाइक, जैसे कि अभी एक दो महीने की दोस्ती सोशल मीडिया के थ्रू हुई हो, आपके नेबर हों, रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, लेकिन अभी आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, जैसे कि जज्बात अभी तक आप दोनों ने खुलकर एक दूसरे के सामने रखे नहीं हैं, बस फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के लिए। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल, बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदार पर्सन हैं। इनका समाज में एक रुतबा है, इनकी जो पर्सनालिटी है ना बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत गजब की है। इनकी बातों में, इनकी पर्सनालिटी में एक अजब सा अट्रैक्शन है, एक गजब सा अट्रैक्शन है। हर कोई अट्रैक्ट होता है,
इन्हें दुनियादारी की हर तरह की नॉलेज है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं ये, बहुत निडर हैं, बहुत साहसी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं ये। इनके साथ हो सकता है आपका इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू हो सकता है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात जैसे कि जल्दी किसी के सामने रखते नहीं हैं, ये किसी पर आसानी से ट्रस्ट करते नहीं हैं, किसी पर यकीन नहीं करते ये, और जिस पर यकीन करते हैं उस पर जान लुटाने की दम रखते हैं ये। इनको लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है, इतना कुछ देखना पड़ा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ना ही इनकी फीलिंग्स इम्बैलेंस रहती हैं, ना ही इनकी एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस में करके चलना पसंद करते हैं। सच और झूठ का एक सेकंड में पता लगाना जानते हैं ये। इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि अच्छे हीलर हों, अच्छे मेडिटेटर हों, एस्ट्रोलॉजर हों, कोई पोएट हो सकते हैं, किसी तरह के कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं ये, फोटोग्राफर हो सकते हैं, मतलब कि इनके अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, इनका बहुत क्रिएटिव माइंड है, लेकिन रिश्तों की समझ इन्हें बहुत अच्छी तरह से है। पहले ये काफ़ी इनोसेंट और मासूम हुआ करते थे, तब इनकी ज़िंदगी में इनकी मासूमियत का बड़ा मजाक बनाया गया, समझ रहे हैं। पहले ये हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लिया करते थे, तो लोग इन्हें बहुत यूज़ किया करते थे, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे मतलब के लिए लोग इन्हें इस्तेमाल किया करते थे। फिर धीरे 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 समय ने इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतना समझदार बना दिया है, इनके हालातों ने इन्हें इस कदर मजबूत बना दिया है कि अब इनकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें कोई हिला नहीं सकता। फिनेंशियली भी स्टेबल हैं ये समझ लीजिए। हाँ, ये आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, अभी आपको भी लेकर थोड़ा सा मन में रहता है कि इससे अपने दिल की बात कहूँ या फिर ना कहूँ, इससे बताऊँ कि ना बताऊँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कहीं इसने भी वही किया जो औरों ने किया है तो फिर, कहीं इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या होगा, कहीं इसने भी मुझे फिर से तोड़ दिया तो क्या होगा, ये ऐसा सोचते हैं। आपको पता है पहले जब ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते थे तो इन्हें लगता था कि शायद नॉर्मल है, होता है ना कि किसी किसी की खूबसूरती से, किसी के टैलेंट से, किसी की खूबियों से हमें प्यार हो जाता है, हमें अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हमें मैरिड नज़र आ रहे हैं, और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, लेकिन आप में से 70% लोग मैरिड हैं, 30% लोग अनमैरिड हैं। अच्छा, आपकी जो ज़िंदगी है वो भी कुछ ऐसी ही थी, आपको भी लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं, आप भी लाइफ में बहुत टूटे हैं, और हमें लगता है कि जो लोग मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं कोई न्यू पर्सन है, आपने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी में आप भी कभी खुश रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार आप डिज़र्व करते हैं, फिर जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए था, किस्मत कहें, नियति का खेल कहें, कर्मा कहें, वो आपको मिला नहीं। लेकिन आपने शिकायत नहीं की किसी से, आपने बस एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आप खुश नहीं थे अपनी ज़िंदगी से, आप बस यूं ही जी रहे थे। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो गए हों, तो विडो है, सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, तो लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत तन्हा थे, बहुत अकेले थे, और आपको भी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता था। लेकिन जब ये इंसान आया ना, तो जैसे कि आपको जीने की एक उम्मीद मिली, एक होप मिली, और आपको लगा कि हाँ, मैं भी जी सकती हूँ,
मैं भी जी सकता हूँ। शायद मेरे नसीब में भी खुशियाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि किसी ने एक सूखे हुए पेड़ पर अमृत डाल दिया हो। होता है ना कि जैसे कि संजीवनी बूटी मिल गई हो आपको, ये इंसान मिला तो आपको लगता है कि क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पहले आपकी ज़िंदगी में नहीं थी, इनके आने के बाद आप स्पिरिचुअल हुए, इनके आने के बाद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का आगमन हुआ है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े हैं, आपने ट्विन सोल जर्नी, सोलमेट जर्नी को जाना है, कार्मिक जर्नी को जाना है, तो आपके अंदर फिर से जीने की उमंग आई है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी ना नई हो गई है, जैसे कि ताजगी आ गई है आपके जीवन में। पहले बस वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे कि ज़िंदगी जी नहीं रहे थे आप। एक होता ना इंसान काटता है, ठीक है जो चल रहा है ठीक है, ऐसी ज़िंदगी थी, बहुत बर्डन, बहुत बोझ, हमेशा दो चीज़ों में अटके रहना, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कैसे करूं, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे आप, बहुत ज़्यादा, और आपके ऊपर बर्डन तो बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो आपको ऐसा लगता था कि शायद मेरे बारे में मुझे सोचने का हक ही नहीं है, या फिर मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं अपने लिए जीऊँ, अपने बारे में सोचूं। और तीसरी बात, आपको भी किसी पर ट्रस्ट ही नहीं था, जैसे कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसी सोच रखने वाले इंसान हैं, कि आप दोनों को ही ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था, तो ट्रस्ट तो आप लोगों को होता ही नहीं था किसी पर। पर आपको जब से ये मिले तो आपने इनको औरों से जब कंपेयर किया, जब आपने देखा कि यार ये तो कुछ डिफरेंट है, ये तो कुछ अलग है, ये सबके जैसा नहीं है, ये कुछ यूनिक है, और जो इसके लिए फील होता है वो सबके लिए नहीं हुआ, सबके लिए नहीं होता, तो ज़रूर इसमें कुछ और बात है। और तब से आपको जीने की उम्मीद जगी है, जैसे कि एक सूखे से मुरझाए से पेड़ पर किसी ने अमृत डाल दिया हो, किसी ने पानी डाल दिया हो, जो फिर से हरा भरा हो गया है, जो फिर से खिल उठा है। अच्छा, आप इनके साथ ना कई जन्मों का रिलेशनशिप, कई जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो बाउंड्रीज बना रखी थी, जो मर्यादाएं आपने बना रखी थी कि मुझे इस रेखा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है, इस बाउंड्री के पार मुझे नहीं जाना है, मेरी ये लिमिट्स हैं, मेरी ये मर्यादा है, आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन अब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना, जो मेरा अस्तित्व है वो अब अनलिमिटेड हो गया है, अब ऐसा लगता है कि मुझे भी ज़िंदगी जीने का हक है। इनके मिलने के बाद ना एक बहुत गजब का अट्रैक्शन फील किया आपने इनके लिए, जो वासनाओं वाला तो नहीं था, जो शारीरिक लेवल का अट्रैक्शन तो नहीं था, कुछ अलग था, कुछ अलग था। हो सकता है कि आप इनसे कहीं सोशल मीडिया पे मिले हों, या फिर किसी ऑफिस में कहीं मिले हों, कहीं पर भी आप इनसे जहाँ पर भी मिले हैं, तो आपको ना कंप्लीशन फील होने लगा, आपकी इनकी अच्छी दोस्ती हुई पहले, लेकिन अब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही है, कुछ लोगों की बदल भी गई है, लेकिन एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया है, क्योंकि आपको शिकायतें थीं पहले, ईश्वर से शिकायतें थीं कि क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे इस ज़िंदगी जीने का एक और मौका दिया, एक और चांस दिया है, तो मुझे इस ज़िंदगी को एंजॉय करना है, मुझे भी इस ज़िंदगी को जीना है। और आप इनके लिए एक ऐसा प्रेम महसूस करते हैं, एक ऐसा प्रेम जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता, बयां नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेम, सेम हू बहू ये भी आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा सा डर है कि क्या करूं, जैसे कि जो लोग मैरिड हैं, किसके साथ मेरी ज़िंदगी है, इसके साथ लाइफ में आगे बढूं या फिर इसके साथ लाइफ में आगे बढूं,
उसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ जिसके साथ मैं खुश नहीं हूँ लेकिन परिवार ने जोड़ दिया था, या फिर उसके साथ ज़िंदगी जीऊँ जो मेरी ज़िंदगी बन चुका है। लेकिन डर लगता है कि अगर उसने कभी मुझे किसी मोड़ पर छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो तनहा बिखर जाऊँगा। ये लगता है बहुत सारे लोगों को। आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान एक दिन मुझे छोड़ दे। आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप के हैं, ये हर चीज़ें हर बात खुलकर बयां नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इन पर कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इंसान मुझसे टाइम पास कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन मुझे छोड़ कर चला जाए। तो हम आपको बताते हैं कि जैसा आप इनके लिए सोचते हैं ना वैसा ही ये भी आपके लिए सोचते हैं, बल्कि ये खुद भी डरते हैं कि कहीं आप इन्हें ना छोड़ दो। अगर ये अनमैरिड है और आप भी अनमैरिड हैं तो डियर ये बहुत जल्द आपको प्रपोज करेंगे, बहुत जल्द आपसे दिल की बात कहेंगे। इन्होंने आपसे दुनिया बनाने की बहुत कोशिश की है क्योंकि ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं तो इन्हें लगता है कि सब एक जैसे होते हैं, चार दिन बाद सब बदल जाते हैं, सब चार दिन की चांदनी होती है। लेकिन जब इन्होंने आपको गहराई से देखा, परखा, समझा तो इन्हें यकीन हुआ कि आप सब की तरह नहीं हैं। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं आप पर ट्रस्ट होने लगा है। इनका मन करता है कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज करें। अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो देखना किसी न किसी बहाने से आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, या तो आपके शहर में आएंगे, कहेंगे मैं किसी काम से आई थी, मैं किसी काम से आया था, कुछ भी करके ये आपसे एक बार मुलाकात ज़रूर करना चाहेंगे, ये समझ लीजिए। और ये आपसे अपने दिल की बात ज़रूर करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जैसे कि आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, किसी भी तरह का घमंड नहीं है। आप भी बहुत नॉलेजेबल हैं, आप भी बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर भी बहुत हुनर है, लेकिन आपको ज़रा सा भी उसका अभिमान नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी आप इतने सरल, इतने सिंपल, इतने सीधे साधे से हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हों, या तो आप कोई यूट्यूबर हों, कोई सिंगर हों, हमने पहले बताया था, आप भी कोई सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। यूट्यूबर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी रील्स वगैरह बनाते हो, आपका कोई चैनल हो जिस पर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो इन्हें लगता है कि बताओ इतना कुछ होने के बाद भी ये इंसान कितना सिंपल, कितना साधारण रहता है। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, कितना अच्छा ड्रेसिंग सेंस है आपका, कितने क्यूट, कितने स्मार्ट लगते हैं आप, कितने गुड लुकिंग हैं आप, और कितने मदरली हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं, ये आपका नेचर इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और आप कभी डीमोटिवेट नहीं होते, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं चीज़ों को लेकर, हर काम को लेकर, आपका ये नेचर इन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हें भी लगता है कि मुझे भी ज़िंदगी जीने की वजह मिल गई है, ज़िंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए, और तुम आए। ये आप दोनों की सेम फीलिंग्स हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी थी लेकिन आप दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला। आप दोनों ही फील करते हो कि हमें ईश्वर ने मिलाया है, आप दोनों ही फील करते हो कि शायद ईश्वर ही हम दोनों को करीब लाना चाहते थे, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अनंत जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं। तो डियर ये आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं, ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं, थोड़ा आपको और परखना चाहते हैं, थोड़ा आपकी और परीक्षाएं लेना चाहते हैं, थोड़ा आपको और समझना चाहते हैं, उसके बाद ये ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए एक्शन लेंगे। अच्छा, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, पता है, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, तो आप भी दिन रात इनके बारे में सोचते हैं। आप दोनों की एनर्जी ना जैसे कि रिफ्लेक्ट होती है, मिरर करती है, हाँ। और हम आपको बताएं कि ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे,
ये अपने दिल की बात बहुत जल्द आपसे बताएंगे। इनके दिल में जो 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 भी चल रहा है आपके लिए सब कुछ बताएंगे। ये तो ईश्वर के प्रति बहुत आभारी हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं ईश्वर को कि थैंक गॉड मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था, तुमने मुझे दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था जो मेरी फीलिंग्स को समझे, जो मेरे जज्बातों की कद्र करे। ये बहुत ओवर रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं हैं, बहुत ओवर एक्टिंग करने वाले नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत परेशान करने वाले इंसान नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये, और आपकी भी समझदारी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो डियर, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के जज्बात एक जैसे हैं और आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक जैसा ही सोच रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।